हर 15 अगस्त को यहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि सतपाल मलिक ने राज्यपाल के तौर पर यह आखिरी बार झंडा फहराया है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया है और अब यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आएंगे वो यहाँ का कामकाज संभालेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आपको यहाँ का नज़ारा दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी सतपाल मलिक ने परेड की सलामी ली है और तमाम लोग यहाँ पे अभी खड़े हैं जो इस 15 अगस्त के भागीदार बन रहे हैं, इसके साक्षी बन रहे हैं। आप मेरे दाहिने हाथ देख सकते हैं कि ये कुछ लोग आए हुए हैं जो कि 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारत माता की जय और तमाम जो दूसरे देशभक्ति के नारे हैं वो लगा रहे हैं। तो ये आम लोगों का पार्टिसिपेशन इस पूरे प्रोग्राम में हुआ है। खास बात यह है कि आज जिस जिप्सी पे बैठकर सतपाल मलिक ने इस परेड की सलामी ली, वो इस स्टेडियम में पहुंचे, उसमें तिरंगे झंडे के साथ साथ जो कश्मीर का अपना अलग झंडा है वो भी लगा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस जिप्सी को देख सकते हैं कि ये तिरंगा झंडा लगा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टेट का अपना फ्लैग है वो फ्लैग भी अभी लगा हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि 31 अक्टूबर को ये फ्लैग यहाँ से हटेगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक झंडा होगा, एक संविधान होगा और उसके हिसाब से ही सब कुछ चलेगा। क्योंकि पहले जो जम्मू कश्मीर की था उसका अपना अलग झंडा था जिसको हटाया गया है, लेकिन वो 31 अक्टूबर को होगा। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये तमाम जो कलाकार हैं जो कि यहाँ पे जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और वो यहाँ खड़े हैं और इस प्रोग्राम के साक्षी बन रहे हैं। और यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। मैम, आप लोग कैसे कहाँ से आए और जो फैसला हुआ है इसको कैसे देखते हैं? सर, मैं जम्मू से हूँ और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी करते हैं हमारी कंट्री के लिए अच्छे ही करते हैं। सो अभी हमारी स्टेट में जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी डेवलपमेंट होंगी, तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है और जो मोदी जी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो ये राजस्थान से आई हैं, तो इस पूरे देश से लोग यहाँ आए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ भी कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है जो कि मेरा जम्मू कश्मीर सॉन्ग, ये यहाँ के जो लोग हैं, जो लोक कलाकार हैं वो इसको गा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ये प्रोग्राम है ये बेहद शानदार प्रोग्राम हुआ है। आपको सुनाते हैं इनके गाने को। इस तरीके के जो कल्चरल प्रोग्राम हुए हैं वो यहाँ तमाम स्टेडियम में इस तरह के प्रोग्राम हुए हैं और बहुत ही ऐतिहासिक मौका है, ऐतिहासिक क्षण है। और सतपाल मलिक ने यहाँ झंडा फहराया है, भाषण दिया है जिसमें उन्होंने अपना एक विज़न जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए देश के सामने रखा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस फैसले से उम्मीद है और लोग इस फैसले को बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और 15 अगस्त का जो आज का कार्यक्रम है वो बेहद सफल और शानदार रहा है। शादाब सिद्दीकी, जी मीडिया, श्रीनगर।